नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ। अभी आज आज तारीख यानी कि 18 फरवरी से इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए जो अभी वैकेंसी निकली है उसके फॉर्म चालू हो गए हैं। वैकेंसी कौन सी है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। जो वैकेंसी है वो आपका असिस्टेंट कमांडेंट की जनरल ड्यूटी और CPL यानी कि कमर्शियल पायलट लाइसेंस, आप बोल सकते हो असिस्टेंट कमांडेंट का GD और पायलट, और दूसरा जो है वो है टेक्निकल जिसमें इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल संवर्ग के लिए भर्ती निकली है। इसमें असिस्टेंट कमांडेंट वाले में 50 टोटल पोस्ट हैं और टेक्निकल वाले में टोटल 15 पोस्ट हैं, तो ये कुल मिला के आपका 25 पोस्ट है, टोटल 75 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। अभी अब आगे हम लोग देख लेते हैं 65 या 75 है। इसका सबसे बड़ी बात यह है कि 18 फरवरी से आज से इसकी फॉर्म फिलिंग चालू हो गई है और 28 फरवरी तक मुश्किल से कितने दिन के लिए आपका दिया जा रहा है, 10 दिन के लिए समय दिया जा रहा है। ये बात विशेष ध्यान दीजिएगा कि केवल 10 दिन फॉर्म भरने को मिलते हैं और इसका पेपर भी आपका जो पहला स्टेज का होता है मार्च में ही प्रस्तावित हो जाएगा। बहुत जल्दी इसका पेपर भी होगा और 5 चरण में इसकी पूरी वैकेंसी क्लियर होती है, तो सारी जानकारी हम लोग यहां पे देखेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और सेशन को लाइक भी जरूर कर दो। अभी इस वीडियो में हम लोग तो नोटिफिकेशन के बारे में देखेंगे, पोस्ट के बारे में देखेंगे, एलिजिबिलिटी क्या है ये देखेंगे, कौन फॉर्म भर सकता है, एज क्या है, एज रिलैक्सेशन क्या है, इन तमाम चीजों के बारे में देखेंगे, सिलेबस पैटर्न क्या होगा, जॉब प्रोफाइल के बारे में हम लोग और भी वीडियो लेके आएंगे, सैलरी क्या मिलती है और भी वीडियो लेके आएंगे, पांचों जो स्टेज होते हैं SSB वगैरह PSB वगैरह इन सब में क्या क्या सारी बातें होती हैं, ये सारी बातें हम लोग वीडियो टू वीडियो आपको बताते चलेंगे। लेकिन फिलहाल इसमें हम लोग कि आज से फॉर्म चालू हो रहा है और जो वैकेंसी निकली है इसे कितना ज़्यादा मददगार हो सकती है और एक जहां बोल सकते हैं कि आपको एक अवसर ही देखना है वहां पे, कोई भी वैकेंसी आती है तो फॉर्म आप सभी लोग जरूर भरो, मैं ये बोलूंगा, ठीक है ना। देख लेते हैं क्या है, ग्रेजुएशन लेवल की जॉब होती है ये, जनरल ड्यूटी GD में है ना। अगर आप देखो इसमें जो ए है जनरल ड्यूटी GD में, इसमें क्या है कि 1 जुलाई 1998 से लेकर 30 जून 2002 ये दोनों डेट इंक्लूसिव है, मतलब कि अगर आप देखो तो 20 से लेके और 24 साल तक यहां पे क्या मांगा है, एज मांगा है। एज का कैलकुलेशन 1 जुलाई से होगा और 30 जून में 2002 तक होगा, ये आप देख लीजिएगा। और जो पहले से ही कहीं ना कहीं ऐसे हैं जो कोस्ट गार्ड में या उसके इक्विवेलेंट कहीं पे कार्यरत है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन भी मिलता है एज में। क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो एलिजिबिलिटी जो होनी चाहिए वो आप देखो, शुड हैड अ डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइजेबिलिटी, मतलब GD के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही साथ 12th में जो आपका 10+2 है उसमें आपका मैथ्स और फिजिक्स का सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। अगर आपका क्या है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 10th के बाद डिप्लोमा कर लेते हैं, तो वो भी आपका समकक्ष होगा 10th के बाद अगर आप डिप्लोमा करते हैं, तो लेकिन उसमें भी आपका मैथ्स और फिजिक्स का एक सब्जेक्ट होना चाहिए, वो भी 55% मार्क्स पासिंग के साथ, ठीक है ना, पासिंग मार्क्स के साथ। दूसरा उसी में जो आपका असिस्टेंट कमांडेंट में बी है वो है कमांडेंट पायलट लाइसेंस है ना, कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस है, इसे CPL बोला जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस है। और इसमें भी एज जो है वो सेम है, 20 से 24 ही मांगा है, ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए है, ये केवल मेल के लिए है जनरल ड्यूटी, ये बात समझिएगा। और जो आपका CPL है ये आपका मेल फीमेल दोनों के लिए है। CPL बेसिकली एक आपका लाइसेंस होता है जो आपके एविएशन जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना, तो वो आपका होना चाहिए। 3 टाइप के बेसिक होते हैं, स्कूल लर्निंग होता है, जो स्टूडेंट लर्निंग होता है, ऐसे आपका GPL होता है, ऐसे आपका क्या होता है CPL होता है, कॉमर्शियल पायलट लर्निंग होता है। तो ये वाला आपको 8 से 10 महीने का कोर्स होता है वहां पे मिलता है, ये सर्टिफिकेट चाहिए, मेल फीमेल दोनों के लिए चाहिए। और इसमें आपको बस 12th क्लास मांगा है या उसके इक्विवेलेंट मांगा है, और इक्विवेलेंट मतलब वही डिप्लोमा वाला हो गया, और 55% पासिंग मार्क होना चाहिए, ये बात समझिएगा, ठीक है ना। दूसरी बात इसमें जो जरूरी आता यह है कि शुड पॉसेस करेंट कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस, है ना, कि मतलब जो रिसेंट का हो, और वो कब का होना चाहिए, किससे होना चाहिए, वैलिडेटेड बाय डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन DGCA जो होता है उसके द्वारा क्या होना चाहिए, ये अप्रूव्ड होना चाहिए। बहुत सारी जैसे बॉम्बे एविएशन ये बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं जो करवाते हैं, और वो किससे अप्रूव्ड होते हैं, वो DGCA से अप्रूव्ड होते हैं, तो ये वही करा पाते इंस्टीट्यूट जिनके पास अपनी प्लेन वगैरह होती है, क्योंकि इसमें आपको पायलट का ट्रेनिंग दिया जाता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ऐसे कोई भी सर्टिफिकेट बनवा के नहीं कर सकता है। और ये कब होना चाहिए, ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जिस दिन आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो उस डेट के पहले पहले तक आपको क्या होना चाहिए, मिल जाना चाहिए ये जो CPL सर्टिफिकेट है।
आगे देख लेते हैं, इसमें तीसरा जो है टेक्निकल, इसमें मैकेनिकल संवर्ग का है, इसमें भी डेट जो है वो सेम है और 5 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। ये केवल मेल के लिए ध्यान दीजिएगा, इसमें फीमेल नहीं है मैकेनिकल वाले में। और इसमें इंजीनियरिंग डिग्री मैकेनिकल या उसके समकक्ष का होना चाहिए, जैसे ऑटोमोटिव हो गया, मैकेट्रॉनिक्स हो गया, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन हो गया, मेटलर्जी एंड डिजाइन हो गया, एरोनॉटिकल और एयरोस्पेस हो गया, इन सब का होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात 60% प्लस होना चाहिए उनके मार्क्स, ओवरऑल एग्रीगेट मार्क्स जो होने चाहिए 60% प्लस होना चाहिए। इसमें अपियरिंग वाले भी भर सकते हैं, लेकिन अपियरिंग वाले में क्या होता है कि कोई भी बैकलॉग वाला बच्चा नहीं होना चाहिए, अपियरिंग वाले वैसे भर सकते हैं, ठीक है ना। इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन या फिर और में क्या दिया है, इन एनी ऑफ द एबव डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंस्टीट्यूट, तो उसके समकक्ष कोई भी, जैसे बीटेक के समकक्ष बीई होता है या और भी कोई डिग्रियां होती हैं, तो उसके हो गया। लेकिन आपका भाई अब बीटेक हो, बीई हो, कुछ भी हो, 12th में आपका मैथ्स और फिजिक्स हो भी 55% मार्क्स के साथ, एग्रीगेट मार्क्स के साथ पासिंग जरूरी है, वरना आप एलिजिबल नहीं होगे। जिसमें डी है टेक्निकल वाले में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह है, इसमें भी एज वही सेम मांगा है, 5 साल का रिलैक्सेशन दिया, ये भी केवल मेल किए हैं। और इसमें भी आपका जो एलिजिबिलिटी है वो सेम है, क्या है, इंजीनियरिंग मांगा है, या फिर आप क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन सेक्शन ए और बी एंड देयर एसोसिएट मेंबरशिप एग्जामिनेशन AMIE के हिसाब से। और उसके बाद बोला है कि आपका मैथमेटिक्स और फिजिक्स में क्या होना चाहिए, 55% एग्रीगेट मार्क होना चाहिए, वो भी 12th लेवल पे। अगर 10th के बाद आप डिप्लोमा किए तो उसमें जो मैथ और फिजिक्स का सब्जेक्ट है उसमें आपका ओवरऑल 55% और मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। इसमें आप एक चीज देखे होंगे कि यहाँ पे GPL SSC लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो वो SSC का मतलब क्या होता है, ये शॉर्ट सर्विस होता है, ठीक है ना, शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट होता है, ये जनरली 8 साल का होता है, लेकिन इसे 10 साल के लिए भी बढ़ाया जा सकता है और 14 साल के लिए भी बढ़ाया जा सकता है, तो वो नॉट अ बिग डील है, ये समझिएगा। ऐसा नहीं है कि एडहॉक या ऐसा कुछ है, परमानेंट ही होता है। वैसे भी आपके जो नेवी वगैरह होते हैं इन समय होते हैं, तो इनकी जो बोल सकते हैं ड्यूटी होती है वो कम ही टाइम की होती है, ठीक है ना, जो जॉब होती है। आगे देख लेते हैं, ये नोट में दिया है, इसे आप नोटिफिकेशन में एक बार जरूर बोलूंगा कि अच्छे से पढ़ लेना। अपर एज रिलैक्सेशन 5 साल SC ST जैसे होता है सबको दिया जाएगा, OBC के लिए, और वो भी केवल नॉन क्रीमी, क्रीमी लेयर के लिए नहीं, नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल का दिया जाएगा, और मैक्सिमम 5% रिलैक्सेशन इन एग्रीगेट इन द डिग्री सर्टिफिकेट फॉर SC ST कैंडिडेट, नो रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल फॉर द 12th क्लास मार्क्स एक्सेप्ट CPL SSA एंट्री। मतलब कि जो मार्क्स पूछा है 55%, उसमें 5% रिलैक्सेशन SC और ST को कैंडिडेट को दिया जाएगा, लेकिन 12th लेवल पे उनको भी कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। केवल और केवल अगर दिया जाएगा तो किस पे, CPL SSA एंट्री वाले में दिया जाएगा, ठीक है। देखते हैं, इसे देख लेते हैं कि वैकेंसी क्या है टोटल, तो वैकेंसी टोटल 50 और 15 मैंने जैसे बोला था, टोटल 65 वैकेंसी है। 50 आपका किसमें है, जनरल ड्यूटी वाले का है, ठीक है ना, और CPL SSA वाला मिला के टोटल 50 है, और जो टेक वाला है उसमें टोटल 15 है, तो टोटल आपके 65 वैकेंसी है, ठीक है। और ये टेंटेटिव में घटाई बढ़ाई भी जा सकती है। एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग देख लीजिएगा, इसमें क्या है, कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द फाइनल ईयर और द फाइनल सेमेस्टर एग्जाम, वही मैंने बोला जो फाइनल है वो भी कर सकते हैं, लेकिन आपको वहां पे क्या होना चाहिए, कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। और जब आपका फाइनल सिलेक्शन बोर्ड हो, जो 5 चरण में आपके एग्जाम होंगे, पहला आपका रिटन एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ टाइप होगा, कंप्यूटर बेस्ड, दूसरा जो आपका होगा उसमें शॉर्ट SSB आप उसे बोल सकते हो, उसमें जनरली आपके पिक्चर और साइकोमेट्रिक टेस्ट टाइप में होता है, थोड़ा उसमें डिस्कशन टेस्ट होता है। जो तीसरा होता है फिर उसमें आपका SSB शुरुआत हो जाता है, SSB मेडिकल और ये सब शुरुआत हो जाता है। तो 5 चरण में होते हैं, वो 5वां जो फाइनल चरण है FSB फाइनल सिलेक्शन बोर्ड जिसे बोला जाता है, दिल्ली में आपका होता है, ठीक है ना, नोएडा में होगा, तो वहां तक आपका क्या होना चाहिए, आपका प्रोविजनल या फाइनल मार्कशीट हो जाना चाहिए, अगर अभी आप अपीयरिंग हो तो भर सकते हो। और इसे होने में आपका चला जाएगा ये अक्टूबर तक जाएगा, FSB आपका फॉर्म अभी भरोगे, स्टार्ट आपका पेपर मार्च से हो जाएगा और आपका अक्टूबर तक ये जाता है, और ये प्रत्येक साल आती है। सबसे अच्छी बात है कि रेगुलर वैकेंसी आपकी तैयारी बेकार नहीं जाती है। तो जो लोग जिनको प्रेम है किससे, नेवी से, है ना, एविएशन से, इन सबको प्रेम है, या एक पैट्रियोटिक वाली फीलिंग, एक ऐसा जॉब हमेशा चाहते थे, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात है आप असिस्टेंट कमांडेंट पे आप होगे और आगे चलकर DG तक हो सकते हो। अभी असिस्टेंट कमांडेंट की सैलरी देखा जाए तो उनकी 5400 ग्रेड पे की नौकरी होती है, ठीक है, 56,000 60,000 से स्टार्ट होती है, और उसके बाद पहुंचते पहुंचते आपका, ये बेसिक पे की बात कर रहा हूं, 2,25,000 तक बेसिक पे में आप पहुंच सकते हो DG के उस पे। तो ये ऑटोमेटिकली बढ़ता रहता है, बहुत मस्त है। और सैलरी के अलावा आप जानते ही हो कि नेवी वगैरह में कितने एनुमरेशन मिलते हैं, कितने पक्स मिलते हैं, है ना, मेडिकल फैसिलिटी कितनी अच्छी होती है, तो ये सारी वीडियो अलग से बना के दे दी जाएगी, क्या पक्स मिल रहे हैं, क्या अलाउंसेस मिल रहे हैं,
कौन सी फैसिलिटी दी जा रही है, 75-75 लाख का बीमा दे दिया जाता है, वो भी 7500 प्रीमियम पे केवल, तो बहुत ज्यादा मतलब मौज की लाइफ होती है, बहुत ही रेस्पेक्ट होता है। अगर आप थोड़ा सा भी पेट्रियोटिक हो तो इस चीज में जरूर आप एक बार तैयारी फॉर्म जरूर भरो, तैयारी करो और इसमें सिलेक्शन भी लो। बहुत कठिन नहीं होता, मैं आपको बता दूं सिलेक्शन प्रोसीजर 5 स्टेज में होता है। पहला स्टेज को CGCAT बोलते हैं, मतलब कि ये क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, CBT टाइप बोल सकते हो। इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे, मैं आपको बता देता हूं 100 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा और निगेटिव जो होगा वो 1 मार्क्स का होगा, ठीक है, निगेटिव 1 मार्क्स का होगा। यानी टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 400 मार्क्स होंगे। पूछता क्या है, पूछता आपका मैं आपको बता दूं, और दोनों में ही लगभग सेम रहता है, केवल टेक्निकल वाले में स्पेशल पूछ लेता है, बाकी जो जनरल वाला है असिस्टेंट कमांडेंट वाला, हाँ उसमें क्या है, उसमें तो चलिए ये आप देखो, यहां पे जो सेक्शन 1 दिया हुआ है, मतलब कि ये किसके लिए दिया हुआ है, ये GD और CPL SSA के लिए दिया हुआ है एंट्री के लिए। इसमें आपको 4 पोर्शन होंगे, एक इंग्लिश का होगा, एक रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब इसमें क्या होगा, मैथ्स और रीजनिंग थोड़ा बहुत होगा, ज्यादा रीजनिंग होगी। इसमें जनरल साइंस और मैथ्स होगा, मैथ्स में ज्यादा अर्थमेटिक वगैरह पूछता है, एप्टीट्यूड जनरल, और जनरल नॉलेज मतलब जनरल GK पूछता है जिसमें करंट ज्यादा होती है। 25-25-25-25 जो SSC की तैयारी करते हैं, मतलब कि जैसे SSC CGL की प्रीलिम्स हो गया, SSC CPUG तैयारी करते हैं, CPU का थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन अगर CHSL कर रहे हो तो CHSL और CGL का प्रीलिम्स जो है वो लगभग लगभग सेम है, 25-25 क्वेश्चन है। वहां पे मार्क्स 1 होता है, यहाँ पे मार्क्स 4 है, बस इतना समझिएगा 100-100 मार्क्स के हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपको प्रत्येक में, जैसे ये सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 वाले को मैकेनिकल दिया है और सेक्शन 3 वाले को इलेक्ट्रिकल दिया है, 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। ये आपका क्या है, ये आपका GD और पायलट वाला है, ठीक है ना, और ये आपका क्या है, ये आपका मैकेनिकल वाला है टेक्निकल, और ये आपका इलेक्ट्रिकल वाला है, और तीनों को 3 सेक्शन में किया है। इसमें तो आपके ये रहते ही रहते हैं। इस वाले में सेक्शन 2 और 3 में क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट वही रहेगा, इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज, लेकिन इसमें क्वेश्चन 10-10 ही हो जाते हैं, मतलब 40-40 नंबर ही होते हैं, और एक अलग से ही 60 क्वेश्चन मैकेनिकल इसमें पूछेगा और इलेक्ट्रिकल वाले में 60 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल पूछेगा। मतलब कि आपका टोटल 400 होगा, प्रत्येक सेक्शन आपका ABCD जो है वो 100-100 मार्क्स का होगा, 25-25 क्वेश्चन होंगे, लेकिन ओवरऑल आपको कितना लाना है, 200 लेके आना है। ओवरऑल 400 में से 50% पासिंग मार्क है, 200 मार्क्स लेके आना है किसके लिए, अनरिजर्व्ड EWS और OBC के लिए, और 90 मार्क्स है यहां पे, 90 मार्क किसके लिए लेके आना है, SC और ST के लिए। और यही नहीं, आपको इसमें भी क्या करना है, 50 वो लेके आना है सब सेक्शन में, बात समझ में आ रही है, तो ये आप देखते हुए चलना। और इसमें जो सेक्शन सेकंड है, इसमें आपको टोटल 80 इस वाले पार्ट में, ध्यान दीजिएगा, और बाकी जो आपका यहां पे 240 वाले हैं में है, इसमें कितना, 120 मार्क्स लेके आना है, मतलब 120 और 80, 200 मार्क्स इसमें भी है, 200 मार्क्स इसमें भी है, आप इस चीज को समझते हुए चलिएगा, ठीक है ना। बाकी इसमें सेक्शनल भी है, प्रत्येक सेक्शन में 50-50 लाना है, मतलब प्रत्येक सेक्शन 100 नंबर का है लेकिन आपको उसमें 50 लाना है, तो 50% सेक्शनल भी क्लियर होगा और 50% आपका ओवरऑल भी क्लियर होगा, तब जाके आप सेकंड स्टेज में जाओगे। मेरिट बनती है, लेकिन जितने बच्चे पास होते हैं वो सारे लोग सेकंड स्टेज में चले जाते हैं, बात समझ में आ रहा है। तो बस आपको यहां पे क्या करना है, ये एक जनरल कट ऑफ सा है, कोई इसमें यहां से सिलेक्शन प्रोसीजर नहीं है, ये प्रीलिम्स स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक। उसके बाद यहां से आपकी कहानी शुरू होती है सेकेंड स्टेज से। सेकेंड स्टेज में जो आपका होगा ये PSB होता है, इसे बोलते हैं प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड, PSB जिसे बोलते हैं, जो कहीं पे भी, जैसे कई सारे सेंटर बनाए जाते हैं, नोएडा हो गया, मुंबई, गोवा हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, ऑल ओवर इंडिया लेवल का होता है ये। और इसमें जो कंप्यूटर वहां से जो स्क्रीनिंग में पास होकर आएंगे उनके लिए क्या होता है, 2 टाइप के टेस्ट होते हैं, एक CCBT बोला जाता है और एक क्या बोला जाता है, PPNDT बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, कंप्यूटर कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट, कंप्यूटर कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट होता है। इसमें आपका क्या होता है, थोड़ा साइकोमेट्री टाइप में होता है कि स्विच वगैरह ऑन करना, कब कौन सी लाइट जल रही है, उसके सामने का स्विच दबाना होता है, तो एक साइकोमेट्रिक होता है। और इसमें क्या होता है, पिक्चर परसेप्शन होता है, ये भी कंप्यूटर बेस्ड होगा, जैसे आप मिरर इमेज, वाटर इमेज टाइप के क्वेश्चन करते हो वैसा आपका रीजनिंग का होता है। और ये डिस्कशन टेस्ट है, इन सब करने के बाद आपसे जनरल इंग्लिश में क्या कराया जाएगा, डिस्कशन करवाया जाएगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि अगर आप इंग्लिश कमजोर है तो आप हिंदी में भी कर सकते हो। लेकिन एक बात समझना कि जब आप नेवी वगैरह की तैयारी करते हो, जब आप ऐसी कोई तैयारी करते हो, है ना, तो आपको इंग्लिश बहुत ज्यादा जरूरी होता है, SSB में इंग्लिश वालों को थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, इस बात को आप समझिएगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद स्टेज 3 में होगा। स्टेज 3 क्या होता है, ये
फाइनल सिलेक्शन बोर्ड के पास आप चले जाओगे और यहाँ पे लगभग आपका 5 दिन तक क्या होगा, एसएसबी लिया जाएगा और ये जुलाई से अक्टूबर महीने तक चलेगा, मतलब जुलाई से शुरुआत हो जाएगा और अक्टूबर तक जाएगा। इसके बाद आपका चौथा चरण क्या है, मेडिकल एग्जामिनेशन है, और जो पांचवा चरण है ये आपका इंडक्शन बोला जाता है, मतलब कि एक सिंपल सा आप INA एजीमाला में चले जाओगे और वहां पे आपका कराया जाएगा, ट्रेनिंग वोनिंग कराया जाता है, उसे पास करना होगा। तो ये जो फाइनल में पहुंच जाता है इसका मतलब समझे कि सिलेक्शन हो ही जाता है, ऐसा समझिए, ठीक है ना। अल्टीमेटली एसएसबी का ये वाला पोर्शन है स्टेज थ्री थोड़ा सा खतरनाक होता है, सबसे ज्यादा बच्चे एसएसबी में ही छटते हैं, इसके जो आपका स्टेज वन है उसमें भी बहुत ज्यादा छटते नहीं है, और ओवरऑल जो आपकी मार्किंग की जाती है वो स्टेज वन और स्टेज थर्ड मिला के की जाती है, बाकी सारे में क्वालिफाई करते चले जाओ, ये आपका होता है जो मार्क्स मतलब फाइनल मेरिट बनती है वो स्टेज वन में। तो ऐसा नहीं आप क्लियर तो कर लोगे लेकिन स्टेज वन में जितना ज्यादा मार्क्स होगा और बाकी सारे क्वालिफाई करते जाओगे तो आपके सिलेक्शन के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए आप स्टेज वन को हल्का मत लीजिए, तैयारी कीजिए, फॉर्म भरिए और जबरदस्त तरीके से इसे आप लोग निकालिए भी, ठीक है। रिजल्ट डिक्लेरेशन जो इसका रिजल्ट होता है वो आपका अक्टूबर नवंबर मंथ में आ जाएगा और इसके बाद फिर आप बढ़िया सा सैलरी उठाओगे, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये आप पढ़ लीजिएगा, इसका अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। कुछ एग्जामिनेशन फीस जो है वो केवल ₹250 है, तो इसमें आप बहुत ज्यादा वो मत करो। सबसे बड़ी बात है आपका एसएसबी वगैरह ये सब जो पेपर कराया जाता है उसके लिए आपका टिकट वगैरह सेकंड एसी का टिकट वगैरह भी देती है बोर्ड, ठीक है ना, तो वो भी आपको एनिमेशन मिल जाते हैं। बाकी एग्जामिनेशन सिटीज आपके बहुत सारे सिटीज बनाए जाते हैं, उसके लिए अभी चिंता मत करो, अभी फॉर्म भरो, आज से फॉर्म चालू है, लेट मत करो। ट्रेवल एक्सपेंसेस आपको सारे एग्जाम के प्रोसेस के लिए दिए जाएंगे, चाहे आपका एफएसबी हो चाहे आपका CGCET हो, कहीं पे भी सेंटर हो, ठीक है, इसको भी देख लेंगे। सभी को नहीं मिलता है, जनरल जो वीकर सेक्शन होते हैं या फिर जो ऐसे होते हैं उन्हीं को मिलता है, ठीक है। ये देख लो, एक टेंटेटिव डेट हम लोग देख लेते हैं, क्या है, जो GD है मतलब जो स्टेज वन है वो मार्च 22 से स्टार्ट हो जाएगा, स्टेज टू है जून 22 से हो जाएगा, जून 2022 की बात कर रहे हैं, डेट नहीं है, ईयर है। स्टेज थ्री है जुलाई से अक्टूबर होगा, स्टेज फोर है जुलाई से दिसंबर होगा, और स्टेज फाइव है एंड दिसंबर, मतलब कि दिसंबर के एंड तक आपकी क्या हो जाएगी, जॉब लग जानी है, ठीक। तो आप इसको समझते हुए चलना, ये टेंटेटिव है, ऊपर नीचे हो जाता है लेकिन हर बार ऐसे अपने करते हैं, हर बार ऐसे ही हो जाता है। बाकी जानकारी हम आपको सारी देते रहेंगे, इसकी सैलरी वगैरह क्या है, इसमें सैलरी वगैरह का थोड़ा सा डिटेल आपको दिया होगा, नहीं भी दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको इसको अलग से बता देंगे, ठीक है ना। ये अब ये बताया है कि देखिए असिस्टेंट कमांडेंट है आपका 56,100 से स्टार्ट होता है, 2,25,000 तक आप देखो असिस्टेंट कमांडेंट बनोगे, डिप्टी कमांडेंट बनोगे, कमांडेंट बनोगे, कमांडेंट JG, फिर कमांडेंट बनोगे, फिर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल बनोगे, फिर इंस्पेक्टर जनरल, फिर एडिशनल डायरेक्टर जनरल, और उसके बाद जब DG बन जाओगे तो आप DG समझ सकते हो कि कितने हाई रैंक की पद होती है, ठीक है ना। और हर व्यक्ति पहुंचने के बराबर अपॉर्चुनिटी होती है, ये बात आप समझिएगा, बस आपके जॉब प्रोफाइल पे ही डिपेंड करता है कि आप कैसे कार्य कर रहे हो, ठीक। और 8-10 साल में इतना ऊंचा पहुंच सकते हो तो बहुत अच्छी जॉब है, तैयारी करो, मन लगा के तैयारी करो, और कोई इतनी कठिन चीज नहीं है। बाकी सारी जानकारी हम लोग FAQ के वीडियोस में इसके डालते रहेंगे, नए हैं चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यदि आपके फिर भी कोई कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं चाहे सिलेबस के हिसाब से, चाहे एग्जाम पैटर्न के हिसाब से, चाहे आपका एलिजिबिलिटी के हिसाब से, तो आप कमेंट में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हो, आपके कमेंट का भरपूर उत्तर दिया जाएगा। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी को।